पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मई महीने में माता मरियम की भक्ति करते हुए हम लोग अपने परिवार में व्यक्तिगत रूप से या ग्रोटों में जाकर या सामुदायिक रूप से रोजरी माला रोज करते हैं। माँ मरियम के भक्ति में माँ मरियम के साथ मिलकर हम लोग रोजरी जपते हैं। कई लोग हमारे ही अन्य वीडियो में एक सवाल किया, चाहे वो रोजरी का या मरिय भक्ति का ना हो, फिर भी कुछ लोगों को पूछने का कुछ आदतें हैं, ये रोजरी कैथोलिक लोग कहाँ से करते हैं, ईसा मसीह ने कब कहा रोजरी करो, या रोजरी के विषय में पवित्र बाइबल में कौन सा वाक्य लिखा है। इस प्रकार का अनेकों सवाल मुझे मिला। मेरे विचार में आज रोजरी के विषय में क्लास लेते लेते इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सवाल किया है तो जवाब देना है। रोजरी शब्द मैंने बाइबल के अंदर कहीं नहीं देखा। ईसा मसीह ने रोजरी करना करो करके कभी नहीं बोला। ईसा मसीह के 12 शिष्य लोग कभी नहीं बोला। ये रोजरी भक्ति 12वीं सदी में शुरू हुआ है। आजकल जो रोजरी करता है वो 12वीं सदी का देन है। माँ का भक्ति कलीसिया के शुरुआत से होते थे। माता मरियम को प्रभु की माँ के रूप में, एक पवित्र कुंवारी कन्या इस रूप में उनका आदर भक्ति कलीसिया का प्रारंभ से होता था। लेकिन ये जो रोजरी भक्ति 12वीं सदी में शुरू हुआ है। रोजरी शब्द एक लैटिन शब्द है, रोजोरियम। इस रोजोरियम शब्द से रोजरी शब्द को निकाला है। रोजेरियम का मतलब है रोज फूलों का एक गुच्छा या एक माला। ये नाम आने के लिए भी कुछ कारण बताया जाता है। कहते हैं जो रोमन सम्राटों ने कलीसिया पर अत्याचार कर रहे थे, क्रिश्चियों को ढूंढ ढूंढ करके उनके हत्या करते थे, तीसरी सदी तक कलीसिया इस प्रकार के उत्पीड़न से जा रहे थे। अनेकों मनुष्यों की हत्याएं लोगों के सामने, रोम के कोलोसियम उसका गवाह है। जो जंगली जानवरों को भोजन बनाना या उबलते तेल में डालना या आग लगाना, इस प्रकार लोगों के सामने ईसाइयों को मार डालते थे ताकि लोगों के मन में एक भय आए, डर आए, वो कोई ईसाई समुदाय में शामिल ना हो। इसलिए उस समय पर प्रभु के लिए समर्पित तो अनेकों कन्यकाएं होते थी। जब उनको मृत्यु के लिए लेके जाते थे, कहा जाता है वे लोग प्रभु ईसा मसीह के लिए अपने को दुल्हन के समान सजाते थे, अच्छे वस्त्र धारण करते हुए और अपने सिर पर रोज पुष्पों का, फूलों का मुकुट पहन करके वे मरने के लिए जाते थे। इनके हत्या होने के बाद उनके सिर पर जो गुलाबों का जो मुकुट पहनते थे, जो अन्य उनके सहेलियां, उनके दोस्त लोग उसको बटोरता था, हरेक ऐसे रक्त रंगित फूलों को उठाते हुए वे उनके लिए प्रार्थना करते थे, विशेष रूप से हे पिता हमारे प्रार्थना बोलकर एक एक फूल को उठाता था करके कहते हैं, और उन फूलों को वो संभाल कर रखते थे, बोके जैसे बना कर के रखते थे। इससे ये जो रोजरी जो प्रार्थना उसका एक शुरुआत हम बोल सकते हैं। इसके बाद मुझे पढ़ने के लिए मिला है
जो आश्रम में रहने वाले जो प्रभु के लिए समर्पित लोग जैसे यहूदी लोग स्तोत्र गीत गाते हैं, एक से लेकर के पूरा 150 तक का जो स्तोत्र है वो दिन भर स्तोत्र गीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार एक एक स्तोत्र खत्म होते वक्त एक धागा में उन लोग एक नोट एक गांठ बांधते थे। इस प्रकार 150 स्तोत्र के लिए 150 गांठ बांधते थे। इसके बाद धीरे धीरे उसको पहले से गांठ मार करके नोट मारा हुआ जो धागा इस्तेमाल करना शुरू किया और स्तोत्र के जगह पर 150 बार प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, प्रार्थना करना। तो इसके लिए इस प्रकार का नोट डाला हुआ धागा, उसको फिर इसके बाद एक माला का रूप दिया। हमें मिलेगा हर धर्म में इस प्रकार प्रार्थना के लिए माला का उपयोग करता हुआ। धीरे धीरे इस प्रकार प्रार्थना के लिए वचनों को रिपीट करने के लिए, हे पिता हमारे बोलने के लिए, स्तोत्र बोलने के लिए आदि आदि, या तीरविंदी बोलने के लिए आदि आदि, इन मालाओं को गिनने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन रोजरी का प्रारंभ 12वीं सदी में हम लोग जानते हैं संत डोमिनिक के द्वारा हुआ है। मैंने पिछले अक्टूबर महीने में रोजरी का 3-4 क्लासेस डाल चुका है, उसका पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर करके डाला है, इसलिए उसमें उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है। फिर भी सवाल किया है कहाँ से शुरू हुआ, इसलिए थोड़ा बताना चाहूँगा। 12वीं सदी में अल्बिजेंसियन पाखंडता एक्चुअली साउथ फ्रांस में शुरू हुआ था, लेकिन ये पाखंडता अन्य राज्यों में भी फैलना शुरू हुआ और इस पाखंडता के कारण ईश्वर विश्वास में हानि पहुंचा रहा था, ठेस पहुंच रहा था। इसमें दुखी होकर के संत डोमिनिक एक बार इटली के एक जगह पर जाकर के प्रार्थना कर रहा था। हृदय में दर्द से वह प्रार्थना कर रहे थे तोलोस नाम का जगह, इटली के तोलोस नाम के जगह पर। वह एक जंगल के पास जाकर के 3 दिन ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया, इस प्रकार कठोर तपस्या करने लगी। 3 दिन के अंत में वह बेहोश होकर के गिर गया। तब उनको माता मरियम का दर्शन मिलते हैं। माता मरियम उन्हें दर्शन में उनको एक रोजरी माला पकड़ाया, इसके बाद कहा जो गैब्रियल स्वर्गदूत का जो अभिवादन है जिसे हम सल्यूटेशन कहते हैं, वो जो है प्रार्थना, उसको यदि बार बार रिपीट करेगा तो शैतान इससे दूर भागेगा और ये पाखंडता खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम उठो, स्वयं इस प्रार्थना को करो और दूसरों को सिखाओ। रोजरी माला का शुरुआत यहां से शुरू हुआ। माता मरियम ने अल्बिजेंसियन पाखंडता को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए संत डोमिनिक को इसका हथियार बनाया और उनके हाथ में प्रार्थना करने के लिए एक हथियार के रूप में रोजरी माला दिया। जब ये कहानी मैंने पढ़ा और सुना, मेरे मन में बहुत बड़ा डाउट लगने लगी, ये कैसे है? माँ मरियम दर्शन दिया, ठीक है, बात किया, इतना तो ठीक है, रोजरी दिया कर कर बोल रहा है, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। लेकिन हमें मालूम है हमारे भारत देश में 1995 में केरल के पालगट डिस्ट्रिक्ट में एक कंजीकोड नाम का एक जगह है, एक विलेज है, वहां पर रहने वाली रानी जोन नाम की महिला उनके परिवार के साथ अपने पति और एक बेटी है उनको साथ वेलांगनी गए थे प्रार्थना करने। वहां पर माता मरियम के मूर्ति के सामने वह जब घुटना टेककर
प्रार्थना कर रहे थे उन्हें मां मरियम का दर्शन मिला। दर्शन में मां मरियम उनको एक रोजरी दिया। ओ रानी जॉन कहती है, जब रोजरी मैंने दोनों हाथों को बढ़ा करके जब लिया, मेरे हाथ में ऐसा लग रहा था कोई बर्फ का टुकड़ा रख दिया। उससे जब लिया, मां मरियम ने उनसे आग्रह किया ये रोजरी माला उनके घर में ला करके कहीं लगाने के लिए। वे गए और रोजरी माला उनके घर में कोई एक बॉक्स वगैरह लेकर के गए, उसमें रख करके वहां उसके प्रतिष्ठा की। उस रोजरी माला जब वहां लगा आया, उससे खुशबू फैलना शुरू हुआ। केवल उनके घर के अंदर नहीं, पड़ोस में नहीं, पूरे कंजीकोट में इसकी खुशबू फैलना शुरू हुआ। लोग पता लगा करके इनके घर में आए, उन्होंने कहा ये है रोजरी मुझे मां मरियम ने दिया। तब लोगों ने हंसी उठाई, अरे वेलांगनी गया वहां से खरीद के आकर के बोलते हैं हमें मां मरियम का दर्शन मिला ये दिया, और ये वहां से कुछ स्प्रे लेके आया होगा, ऐसा रोज वो स्प्रे कर रहा है, उसका खुशबू हमें मिल रहा है। इस प्रकार उनके विरुद्ध में भी अनेकों लोग बोले, अनेकों लोग उसमें विश्वास भी किया। लेकिन हमें विश्वास योग्य बातें इसके बाद मिले। मां मरियम इसके बाद अनेकों बार उनको दर्शन दिया और उस रोजरी माला से अनेकों चमत्कार होने लगी। उससे दूध बहना शुरू हो गया, मधु बहना शुरू हुआ, और अन्य लोग जो यहां वहां आकर के प्रार्थना कर रहे हैं केवल उनको उसका सुगंध, विशेष सुगंध मिलने शुरू हुआ। इसके बाद उस रानी जोन के शरीर में अनेकों ऐसा चिन्ह आना शुरू हुआ। प्रभु ईसा मसीह के शरीर में जो पांच घावें, वो घाव इनके शरीर में, हाथ पैरों में वो कीले टोकने का, सिर में मुकुट का जगह पर, सब अनेकों बार इस प्रकार का उनको जो पांच घावें शरीर में आए। इसके बाद स्वर्गदूत आकर के उसको मिटाता भी है, उसको पहुंचता है, खून बहता हुआ आपको इंटरनेट में आप सर्च कर सकता है, यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ केरला ऐसा करने से भी आएगा, या रानी जॉन कंजीकोड लिखने से भी आएगा। अनेकों रीति से अनेकों बार ये हुआ। इसके बाद उनके मुंह में परम प्रसाद, मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद जब उनके मुंह में देता है, रोटी जब रखता है, तब वो जीवित प्रभु का शरीर और रक्त में बदलना शुरू हुआ। ये भी अनेकों बार हुआ। इसके बाद अनेकों बार मां मरियम आकर के उनको दूध पिलाता हुआ, और ईसा मसीह स्वयं आकर के उन्हें परम प्रसाद देता हुआ। ये सब हमें वीडियो में ही मिलेगा, ये कोई एडिट किया हुआ नहीं। उसको देखने वाला, उसको करने वाला, ये सब आज भी जीवित है, वो स्वयं जीवित है, तो हम इसको भी देख सकता है मिरेकल। जब ये मिरेकल उनका ये मैंने देखा, तब मुझे पता चला हाँ, इसका मतलब है 1214 में माता मरियम जब संत डोमिनिक को दर्शन दिया, सचमुच में रोजरी उन्हें दिया है। इसलिए आज संसार भर में मरिय भक्ति के लिए, मां मरियम के साथ बैठ कर के प्रार्थना करने के लिए यह रोजरी का उपयोग करते हैं। तो हमारे लिए एक ऐसा एक शस्त्र ईश्वर के द्वारा, मां मरियम के द्वारा हमें मिला है शैतान को भगाने के लिए। इस रोजरी माला से शैतान कांपते हैं। अनेकों लोग कांप रहे हैं ना, जो मां मरियम के खिलाफ बातें करने वाले, जो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ है, जो एंटी क्राइस्ट के जो चेले लोग हैं, कांपने का कारण यही है। ये शस्त्र ही ऐसा है, इसके सामने शैतान नहीं टिक सकता। अगले क्लास में मैं बताकर दूंगा उसका कारण क्या है। मां मरियम के द्वारा हम लोगों को ये हथियार शैतान से लड़ने के लिए मिला है। देखो, ये प्रार्थना करना शुरू किया संत डोमिनिक ने, और इसके बाद उनके जीवन काल में पूरा रोजरी के विषय में वो सिखाना शुरू किया, रोजरी भक्ति के विषय में।
समय समय पर मां मरियम कैसे करना, क्या करना, ये तरीका दर्शन में उनको बता करके देना शुरू किया। पहले तीन भेद, भेद का मतलब है मिस्ट्रीज, आनंद का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद होता था। सन 2000 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा हमें प्रकाश का भेद भी मिला। इस प्रकार ईसा मसीह के जीवन के 20 बड़े बड़े मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन कर प्रार्थना करने का एक सुंदर प्रार्थना है रोसरी माला। ये प्रार्थना जब दुनिया करना शुरू किया, अल्बिजेंसियन पाखंडादा नष्ट हुआ। केवल इतना ही नहीं, ये रोजरी माला के द्वारा अनेकों लड़ाइयां जीत गई, अनेकों जगहों पर लोगों को अनुग्रह आशीष का कारण बन गई और धीरे धीरे कलीसिया में इसको इंट्रोड्यूस करते गए। मेरे पिछले वो क्लास में सब कुछ मैंने बता कर रखा है, फिर भी थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। जब 1571 में एवं 1716 में 1571 और 1716 में क्रिस्तीय जो फौज और टर्की फौज के बीच में समुद्री लड़ाई हुआ था, क्रिश्चियन फौज में इतना कोई ताकत नहीं है, लेकिन टर्किश सेना बहुत ही शक्तिशाली सेना है। जब टर्किश सेना क्रिश्चियन सेना के ऊपर आक्रमण करने के लिए जब आ रहे थे, उस समय पर संत पापा ने सब लोगों से आग्रह किया, कलीसिया से आग्रह किया, आप सब रोजरी उठाओ, रोजरी प्रार्थना करो। इस कारण 1571 का उस लड़ाई एवं 1716 का जो टर्की के साथ जो लड़ाई हुआ, वो क्रिश्चियन आर्मी को विजय मिला। इसलिए 1572 में 1572 में संत पापा पीयूस पांचवें ने विजय माता की पर्व मनाने का आग्रह किया। लेकिन 1573 में संत पापा ग्रिगरी 13वें ने इसको विजय मा पर्व के जगह पर रोजरी का पर्व मनाने का निर्णय किया। और 1716 में जब दूसरे विजय हुआ, तब संत पापा क्लेमेंट 11वें ने और इसके बाद में 1858 में संत पापा लियो 13वें ने ये अक्टूबर महीने को रोजरी का महीना और रोजरी का पर्व मनाने का निर्णय किया था। और हमें मालूम है 1913 में संत पापा पीयूस 10वें ने 7 अक्टूबर को रोजरी का पर्व का दिन भी घोषित किया। तो इस प्रकार रोजरी हमारे कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में बढ़ता गया। आज हर घर में परिवार को मिलकर के प्रार्थना करने के लिए हो या चर्च में हो, कहीं भी हम लोग चलते फिरते सब ये प्रार्थना करते हुए आशीष ग्रहण करते हैं। तो अगले क्लास में और भी रोसरी के विषय में बताऊंगा। केवल आज के क्लास में विशेष रूप से यही है, बाइबल में है ये पूछने से, रोसरी प्रार्थना बाइबल से ही लिया हुआ है। बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है, यीशु ने ये नहीं कहा है ये रोजरी करो, लेकिन रोजरी प्रार्थना बाइबल की प्रार्थना है। रोजरी प्रार्थना बाइबल की प्रार्थना क्यों है, इसको भी मैं अगला क्लास में बताना मेरे विचार में अच्छा है, क्योंकि उसके विषय में काफी चीजें बोल करके देना है। इसलिए हम लोग ये विश्वास करें
कि रोजरी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें मिला है। रोजरी माता मरियम ने 12वीं सदी में संत डोमिनिक के द्वारा इस कलीसिया को दिया और तब से कलीसिया में इसको एक महत्वपूर्ण प्रार्थना के रूप में करते हुए आ रहे हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।